लगता है मोहम्मद यासीन जी हार जाएंगे, हारना तय है क्योंकि शंकर इस समय भयंकर हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे की आप लोग देख रहे हैं। 23 सेकंड में 3 प्लेट बिल्कुल कम्प्लीट कर लिए है, बहुत बढ़िया। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे की आप लोग देख रहे हैं सामने चाउमीन का प्लेट लगा हुआ है, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है चाउमीन खाने का चैलेंज होने चल रहा है, और यह चैलेंज कैसे होगा आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चाउमीन लगी हुई है, तो आज हमारा चाउमीन नीटिंग चैलेंज है, और इस चैलेंज में जो सबसे ज़्यादा प्लेट चाउमीन की खाएगा वो विनर हो जाएगा, और विनर को मिलेगा 500 रुपये का पुरस्कार। और इस चैलेंज में कोई बात तो नहीं है, आप इतना चाउमीन खाइए जहाँ से चाहे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और कोई पैसा नहीं लगेगा। और देखते हैं जो सबसे ज़्यादा खाएगा उसको 500 रुपये का इनाम मिलेगा। तो देखते हैं इस चैलेंज में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं और 500 रुपये की राशि कौन लेकर जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पहले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं, क्या नाम है आपका? शंकर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौरा। ग्राम सभा बड़ौरा की धरती से चलकर आए हैं शंकर, तो देखिए शंकर कितना हो जाते हैं भयंकर। तिलई बाजार में चैलेंज को स्वीकार किए हैं, तो कितने चौमिन की प्लेटें खाली करके देखते हैं, टारगेट देते हैं अगले चैलेंज। हाँ, चटनी वगैरह अपने हिसाब से डाल लीजिए, उसके बाद आपको टाइमर हम स्टार्ट करते हैं। तो कैमरा बहरहाल चटनी मिलाते हुए भी चालू है। हाँ। मिलाते रहिए, कोई जैसे कि आप लोग जान रहे हैं जितनी मर्जी प्लेटों में पहले ही डाल सकते हैं, बाद में डालने का समय नहीं मिलेगा। आप जितना टारगेट लेके चलना चाहते हैं, टाइमर चालू होते ही जो है टाइम चालू हो जाएगा, चाहे चटनी डालिए चाहे चाउमीन खाइए। तो देर न करते हुए हम चाहेंगे पवन जी शंकर जी के लिए टाइमर चालू कर दीजिए, और टाइमर चालू हो गया है तो शंकर जी इस समय चाउमीन खाना चालू कर दिए हैं। बहुत बढ़िया, देखिए कितने प्लेट का जो है यहाँ पर टारगेट देते हैं शंकर अगले चैलेंजर को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, धुआंधार जो है शंकर जैसे 10 सेकंड में 1 प्लेट समाप्त कर दिए हैं। बहुत बढ़िया, इस हिसाब से लग रहा है 5-6 प्लेट तो लपेट ही जाएंगे। तूफान की तरह चैलेंज स्वीकार किए हैं, 18 सेकंड में 2 प्लेट बहुत बाजार में लगा हुआ है, और देखते हैं कितनी प्लेट खाली करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और जो एक प्लेट सबसे ज्यादा चाउमीन खाएगा वो बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत गजब शंकर। और शंकर इस समय हो चुके हैं भयंकर, बहुत गजब। और 4 प्लेट समाप्त कर लिए 45 सेकंड में, देखते हैं 5वीं प्लेट खाली कर पाएंगे या नहीं। 5 प्लेट तो बड़े आराम से खाली कर देंगे, और अगले चैलेंजर के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। अगले चैलेंजर के लिए 5 प्लेट बिल्कुल खाली कर दिए हैं, जो टारगेट दिए हैं। और जैसे कि यहां पर 5.5 प्लेट इनकी काउंट, 5.5 प्लेट काउंट, शंकर जी आए हौसले दिखाए, ताली तो बजा दीजिए। और जब 5.5 प्लेट प्लस जाएगा उसको 500 के बजाय 700 रुपए इनाम मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बूस्टर प्लान चालू हो चुका है कि अगर कोई भी 5.5 प्लेट से ज्यादा खाएगा तो उसे 700 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगले चैलेंजर के रूप में कौन आते हैं, और शंकर जी को खाली करके इनाम की राशि 700 रुपए लेकर जाते हैं। जैसे की आप लोग देख रहे हैं अभी तिलई बाजार में अमेजिंग इलाहाबादी चैनल का चैलेंज शंकर जी ने स्वीकार किया, और 5.5 प्लेट का रिकॉर्ड बना दिया है। उनकी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अभी कोई चैलेंजर नहीं आ रहे हैं, देखते हैं कोई चैलेंजर आते हैं नहीं आते। शंकर जी के रिकॉर्ड को देख करके सब घबरा गए हैं हमको लग रहा है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शंकर जी आंधी की तरह आए और तूफान की तरह एक टारगेट खड़ा कर दिए हैं, और उस टारगेट को देखिए कौन चैलेंजर आता है, तोड़ता है और 700 रुपए की राशि लेकर जाता है। जैसे की आप लोग देख रहे हैं हमारे अगले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं, क्या नाम है आपका? मुनेद। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर की धरती से चलकर मुनेद जी आए हुए हैं और हमारे चैलेंज को स्वीकार किए। तो पहुंच टाइमर चालू कर दीजिए। जैसे कि अभी देखे हैं शंकर जी आए हैं और 5.5 प्लेट का टारगेट बनाए हुए हैं, आए हैं तो देखते हैं कितनी प्लेट कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। अगर 5.5 के ऊपर जाएंगे तब आप इनाम की राशि पाएंगे, और मुनेश जी आए हैं तो 7-8 प्लेट लपेट ही जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत गजब। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी एक प्लेट बहुत अच्छी कोशिश है, और भैया क्लियर करके गिरिए, प्लेट में रहना नहीं चाहिए, खाते रहिए पानी पीते रहिए। बहुत गजब, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय 30 सेकंड का सफर तक कर चुका है हमारा टाइमर, और 2 प्लेट में भी खेल रहे हैं मुनेश जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और मुनेश देखिए आए हैं, हौसला दिखा रहे हैं अपना, बहुत बढ़िया, 100% दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत बढ़िया, बहुत। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर शंकर 5.5 प्लेट का टारगेट बनाए हुए हैं, मुनेश जी आए हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। 2 प्लेट कम्प्लीट कर लिए हैं, और देखते हैं तीसरी प्लेट एक बाइट खाए और टाइम समाप्त हो चुका है। मुनेश जी आए, हौसला दिखाए, मुनेश जी का धन्यवाद करते हैं, तालियां बजा दीजिए यार मुनेश जी के। और यहाँ पर तालियां बज रही है, मुनेश जी आए, हौसला दिखाए, मुनेश जी का धन्यवाद करते हैं, और देखते हैं अगले चैलेंजर के रूप में कौन आते हैं और कितनी प्लेट कम्प्लीट कर पाते हैं। जैसे की आप लोग देख रहे हैं हमारे अगले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। कहाँ के रहने वाले हैं?
बघोला का। बघोला ग्राम सभा की धरती से चलकर आए हुए मोहम्मद यासीन जी और तिलई बाजार में जो चैलेंज लगा है स्वीकार किए हैं चाउमीन खाने के लिए। तो पवन जी हम चाहेंगे एक टाइमर चालू कर दीजिए मोहम्मद यासीन जी के लिए। और यासीन जी जैसे कि टाइमर चालू हो चुका है और जानते हैं कि शंकर जी अभी तक आगे बढ़त बनाए हुए हैं, 5 प्लेट खाए हैं, तो मिनट में आए हैं तो देखते हैं कितनी प्लेट खा पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हौसले के साथ शंकर जो आए, 5.5 प्लेट का रिकॉर्ड बनाकर चले गए हैं अगले चैलेंजर के रूप में। तो देखिए यहां पर पूरी प्लेट खाली कर दे रहे हैं और अभी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हौसले के साथ। लेकिन शंकर जी से टाइमिंग स्लो चल रही है मोहम्मद यासीन जी की। हां, हमको लग रहा है 5.5 प्लेट नहीं खा पाएंगे यासीन जी। और शंकर जी आज चटनी का प्रयोग कोई नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी कोशिश है। अगर चटनी का प्रयोग होगा तो ज्यादा सही रहेगा। अब चटनी डालेंगे तो चटनी के चक्कर में ही रह जाएंगे, अटक जाएंगे। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी कोशिश है। कितना प्लेट हो चुका है? चौथी प्लेट खा रहे हैं तो अभी समय बहुत है यासीन जी। बहुत बढ़िया, बहुत और इस समय 5वीं प्लेट उठा लिए है और 5.5 आपको करना है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी कोशिश है। 5.5 प्लेट कर लेंगे तो ये देखिए 5वीं प्लेट समाप्त हो चुकी है। और ये देखिए 5, बहुत बढ़िया। और ये देखिए 6 प्लेट लेकिन 5 से प्लस गए हैं, 6 प्लेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखते हैं अगले चैलेंजर ग्रुप में कौन आते हैं, इनसे आगे जा पाते हैं नहीं। तो जैसे कि देख रहे हैं आप लोग मोहम्मद यासीन जी आए हैं, 1 मिनट में 6 प्लेट चाउमीन खा करके बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। और देख पूछ लीजिए एक बार सबसे, अगर कोई चैलेंज को स्वीकार करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम यासीन जी को विनर बना के उनको इनाम की राशि दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं, कोई आ सकता है भैया, आना चाह रहा है? हाँ, कोई आना चाहता है तो आ सकता है, नहीं तो यासीन जी को विनर बना दिया जाएगा। तो हमारे जानकारी के अनुसार कोई नहीं आएगा और शंकर जी मुंडी हिला रहे हैं कि हम फिर से आएंगे। फिर से आएंगे कहाँ? नहीं तो शंकर जी दोबारा चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, तो देखते हैं अब दोबारा यासीन जी को हरा पाते हैं नहीं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शंकर जी दोबारा चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए आ चुके हैं और 7 प्लेट लगा लिए हैं और 7ों प्लेट में सोच पहले से ही एंट्री कर रहे हैं। तो देखते हैं अब 7 प्लेट कम्प्लीट कर पाते हैं नहीं 1 मिनट में। मतलब 5.5 प्लेट पहले खा चुके हैं। यहाँ पर ये बंदिश नहीं था, सोच डाल सकते थे, पहले डाल सकते थे और उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं शंकर। और सोच पूरी तरह से 7 प्लेट पे लगा लिए हैं। तो शंकर जी दोबारा आए हैं, इनके हौसले के लिए टाइमर चालू कर दीजिए। और टाइमर चालू हो रही है यार, ये बहुत अच्छी कोशिश है। देखिए और देखते हैं आज कितनी प्लेट कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब आज आपकी बार उससे भी पहले जो है ये शंकर पूरा एकदम भयंकर रूप लेकर के आ चुके हैं। एकदम भयंकरता का जो है परिचय दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। मोहम्मद यासीन जी हार जाएंगे, हारना तय है क्योंकि शंकर इस समय भयंकर हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे की आप लोग देख रहे हैं। 23 सेकंड में 3 प्लेट बिल्कुल कम्प्लीट कर लिए है। बहुत बढ़िया, 23 सेकंड में और चैलेंजर हो तो शंकर की तरह, बहुत गजब। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी शंकर आए हैं तो दोबारा आए हैं, बहुत एक बार देखते मोहम्मद यासीन जी को पीछे कर पाएंगे नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बाजार की गरिमा को बना के रखेंगे। बहुत बहुत गजब। अगर यह वीडियो जिसको भी देखना हो अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल पे जाएं और इस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लेकिन शंकर जो है उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है क्योंकि समय समाप्त हो गया। 6 प्लेट भी कंप्लीट कर लिए शंकर जी, भी कंप्लीट कर लिए, टाई हो चुका है। ताली बजाइए, ताली बजाइए, अरे ताली तो बजा दीजिए यार। और यहाँ पर दोनों लोग, दोनों चैलेंजर बराबर बराबर आ गए। 6 प्लेट यासीन जी खाए थे और 6 प्लेट शंकर जी भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोनों लोगों में 2-2 प्लेट का कंपटीशन साथ में कर दिया जाएगा और जो 2 प्लेट पहले फिनिश करेगा वही विनर हो जाएगा। लेकिन नहीं नहीं, 2 प्लेट अब विनर क्योंकि शंकर जी 12 प्लेट खा चुके हैं, इसलिए अब 2 प्लेट खाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैच टाई हो गया है लेकिन शंकर जी 5.5 प्लेट पहले खा चुके थे, दोबारा आए हैं चैलेंज में, 6 प्लेट खाए हैं। इस हिसाब से टाई नहीं होगा यह मैच में। अगर विनर होंगे दोबारा यासीन जी आना चाहते हैं, अगर उनको हरा देंगे तो फुल इनाम की राशि 1000 रुपए पाएंगे। अगर नहीं हरा पाएंगे तो यासीन जी को 200 रुपए मिलेगा और शंकर जी को 500 रुपए मिलेगा। बहुत गजब। और बूस्टर प्लान नंबर 1 का है तो ताली बजाइए यार एक बार। तो दर्शकों की क्या राय है एक बार दर्शकों से पूछ लिया जाए। अब प्लेट 11 बढ़ता और इसी भागा दौड़ी में यासीन जी फिर आ चुके हैं मैदान में, कह रहे हैं अब बड़की प्लेट निकालो, छोटकी छोड़ो। और अब
देखिए यहाँ पर होने चला है। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा भैया। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, जैसे वन बाई वन खाए हैं शंकर जी उसी तरह खाना है। तब रहा तो यसीन जी कह रहे हैं तब रहने दो, टाई हो गया तो यसीन जी मतलब हार मान चुके हैं, मतलब छह प्लेट नहीं खाना चाहते हैं। तो चलिए ठीक है। हाँ नहीं ऐसे नियम ना है, जिस नियम है वो तो जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी पहले शंकर जी आए साढ़े पाँच प्लेट कंप्लीट कर लिए, उसके बाद मोहम्मद यसीन जी आए छह प्लेट बिल्कुल कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन शंकर जी दोबारा चैलेंज में आए और पार्टिसिपेट किए, छह प्लेट दोबारा खा लिए, तो शंकर जी को फुल इनाम की राशि 700 रुपए मिलेगी और यसीन जी छह प्लेट खाए हैं तो उनको 200 रुपए के बजाय 500 रुपए इनाम की राशि दी जाएगी। बहुत गजब। जैसे कि यहाँ पर बूस्टर पे बूस्टर प्लान चालू हो चुका है, तो आए भैया आप लोग अपना अपना इनाम लीजिए। और शंकर आ चुके हैं इस समय, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं साढ़े पाँच प्लेट के बाद फिर से आए और छह प्लेट फिर से खाए हैं, तो ये पूरी तरह से 700 रुपए के हकदार हुए हैं, तो इनको 700 रुपए की राशि दी जा रही है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा शंकर जी आए साढ़े पाँच प्लेट कंप्लीट करके बढ़त बनाए थे, उसके बाद यसीन जी आए छह प्लेट खाए और उसके बाद दोबारा शंकर जी आए छह प्लेट कंप्लीट कर लिए थे, दोनों लोगों को विनर बना दिया गया है और जो 500 इनाम की राशि थी शुरू में वो यसीन जी को दी जा रही है और जो दोबारा बूस्टर प्लान 700 का आया था वो शंकर जी को दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पहले यसीन जी पाए हैं, भैया पैसा पा गए दोनों लोग? हाँ। चेक कर लीजिए, बाद में कोई गारंटी नहीं, पैसा पा गए हैं भैया? मतलब पैसा हल्का था, हल्की लग रही है और हल्के की वजह से वापस ये लोग नहीं लौट पाए हैं। पैसा मिल गया ना अब? हाँ भैया, पैसा दिखाइए। तो एक बार भैया दोनों लोगों के लिए ताली तो बजा दीजिए, और यहाँ पर ताली बज चुकी है दोनों चैलेंजरों के लिए। और शंकर जी आप इतनी ज्यादा चौमिन कैसे खा गए? अरे खा लिए ताव ताव में बस। मतलब ताव चढ़ गया है शंकर के कि अगर यसीन आगे गए हैं तो हम पीछे कैसे रहेंगे। हाँ। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी का भी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद यसीन जी का भी। और यसीन जी आप इतना पीछे कैसे रह गए आज? अरे सरकत ही नहीं आ रही। तो यसीन जी आए ज्यादा सोच का इस्तेमाल नहीं किए इसलिए पीछे रह गए। तो दोनों चैलेंजर आए, दोनों लोग चैलेंजर हौसला दिखाए, दोनों चैलेंजरों का धन्यवाद कर। आप लोगों ने जैसे देखा कि यहाँ पर एक चैलेंज चल रहा था कि इसमें शंकर जी और यसीन जी विनर हो चुके हैं, उसी तरह से आप सभी लोगों के लिए सभी दर्शकों के लिए भी हमारे चैनल पर एक चैलेंज चल रहा है जिसमें अपाची बाइक इनाम रखा हुआ है हमने और 160cc की, और यह ऑफर जो है 31 जनवरी 2023 तक वैलिड है। तो आप लोग फटाफट जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्ट्रेशन करें और एक अपाची बाइक जीतने का मौका पाएं। तो देर न करते हुए अमेजिंग इलाहाबादी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको फॉलो करें, फॉलो करें। और एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि आप लोग जाइएगा चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में लिंक जो है उस पर जाइएगा, जो छोटा सा फिलअप वाला काम है उसको करके रजिस्ट्रेशन करके जल्दी से अपाची की लाइन में आ जाइएगा। हाँ। जिस दिन हमारा जो है 1 मिलियन टारगेट कंप्लीट हो जाएगा उस दिन विनर का नाम घोषित किया जाएगा और एक अपाची बाइक 160cc की इनाम के रूप में दर्शकों में दिया जाएगा लकी ड्रा के द्वारा। वीडियो समाप्त करने से पहले हम बच्चों से चाहेंगे, बच्चे लाइन में खड़े हो जाएंगे, सबको चौमिन हम दे देंगे, खड़े हो जाओ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जब चैलेंज समाप्त हो जाता है तो जो प्रोडक्ट बचा रहता है बच्चों में बांट दिया जाता है। यहाँ पर बच्चों में बांटा जा रहा है प्रोडक्ट, दो पौधी बच्चे कोई पे मोह हो चुके हैं इस समय, एक दूसरे पर चढ़ चुके हैं, बच्चे खाते कम हैं खिंडाते ज्यादा है, तो बच्चे आते हैं हौसला दिखाते हैं, बच्चों का धन्यवाद करते हैं और इस चैलेंज को यहीं से समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।